हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंसुरेशन का क्लास नंबर 26 देखेंगे और इसमें हम लोग सर्कल से रिलेटेड मेंस लेवल के कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कि एक क्वाड्रेंट है ना, मतलब अगर बोला जाए तो इस तरह से फिगर अगर है ना, इस तरह से फिगर है, क्लियर। अब ये जो है आपका, ये एक क्वाड्रेंट है, मतलब एक सर्कल का 1/4 है ना, मतलब चार भाग का एक भाग है, एक वृत्त का है ना। अगर बोला जाए इस तरह से वृत्त, अगर मान लीजिए इस तरह से है तो चार भाग में से एक भाग है, क्लियर। तो यहां पर इसका रेडियस दिया हुआ है चार, प्रश्न में आपका दिया हुआ रहेगा 4 सेंटीमीटर का, या कुछ भी दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ इसमें 4 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, यानी आर कैपिटल आर बराबर दिया हुआ है 4, क्लियर, 4 सेंटीमीटर। अब इसमें फिगर क्या बनाया गया है ना, कि इस तरह से दो सेमी सर्कल बनाया गया है, ठीक है, इस तरह से दो सेमी सर्कल बनाया गया है, इधर भी क्या बनाया गया है, दो सेमी सर्कल बनाया गया है। थोड़ा सा ये बड़ा ले लिए है ना, इसको कम कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से फिगर है। अब इसमें हम लोग इस तरह से बोला गया है, ठीक है, इस तरह से बोला गया है। तो यहां पर आपको ये शेडेड पोर्शन जो है ना, ये जो शेडेड पोर्शन का है, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, कि ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए दो सेमी सर्कल बन रहा है ना, तो अगर ये चार है तो इसका व्यास कितना होगा दो, तो इसका रेडियस कितना होगा 1 होगा, है ना, इसी तरह इसका भी रेडियस कितना होगा 1 होगा, क्लियर। इसी तरह यहां पर भी देखिए ये चार है तो दो दो करके होगा, तो इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा 1 होगा, और इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा 1 होगा, क्लियर। अब यहां पर देखिए ये वाला को हम लोग मिलाते हैं अगर इस तरह से, तो देखिए एक वर्ग बन रहा है ना, ये वाला एक वर्ग बन रहा है ना, तो इसका साइड क्या होगा, साइड अगर ये रेडियस है तो इसका भी साइड जो होगा रेडियस होगा, मतलब ये जो वर्ग है, ये जो स्क्वायर है, इसका साइड क्या निकल गया, रेडियस यानी 1 होगा, क्लियर। अब हमको ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे वो समझिए। ये 1/4 है ना सर्कल का, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाय 4 मतलब ये वो ये जो है ना पूरा सर्कल का 1/4 है, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर दिए। इसमें माइनस करेंगे क्या, देखिए ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल में ये तो एक वर्ग ले रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन बच रहा है ना, ये वाला पोर्शन, तो ये क्या हो रहा है, एक जैसे ये बड़ा वाला जो सर्कल का जो क्वाड्रेंट था ये वाला है ना 1/4 था, इसी तरह ये जो सर्कल हो रहा है सेमी सर्कल, तो अगर इसको बनाएंगे बड़ा तो इसका भी ये क्या है 1/4 है ना, तो 1/4 और ये 1/4, तो मतलब मिलकर के हो गया 2 है ना, ये वाला 1/4 दोनों मिलकर के क्या हो जा रहा है एक सेमी सर्कल, तो एक सेमी सर्कल है ना, एक अर्धवृत्त दो अर्धवृत्त, और ये देखिए एक क्वाड्रेंट एक चतुर्थांश है और ये भी एक चतुर्थांश है, मतलब दो चतुर्थांश मिलकर के एक अर्धवृत्त हो जा रहा है, तो टोटल कितना अर्धवृत्त 3 अर्धवृत्त। 3 अर्धवृत्त का मतलब है डेढ़ गुना, एक वृत्त का डेढ़ गुना, तो जो वृत्त का रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस 1 हो रहा है, और उस रेडियस 1/3 वाले रेडियस का है ना, 1/3 वाले वृत्त का डेढ़ गुना हो रहा है ये 3 सेमी सर्कल मिलके। तो हम लोग कह सकते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर है ना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, तो इसका हम लोग ये वाला बोल सकते हैं कि पूरा जो वृत्त है इसका हम लोग डेढ़ गुना बात कर सकते हैं, मतलब 3/2, और माइनस ये तो हम लोग कर दिए, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग का रेडियस ही उसका साइड हो रहा है, ये जो इसका रेडियस ही साइड हो रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर साइड स्क्वायर यानी आर स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो देखिए बड़ा वाला आर क्या है 4 यानी पाई इंटू 4। देखिए इसमें ऐसा करते हैं ना, ये जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वे ऑप्शन अकॉर्डिंग जवाब देते हैं, तो ऑप्शन मान लीजिए लिख लेते हैं 5π-2, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आपका 7π-2, तीसरा ऑप्शन है ना 5π/2-1, और चौथा ऑप्शन है 7π/2-1। अब ये चार ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो इसको सॉल्व भी करेंगे तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे। तो यहां पर देखिए पाई 4 है ना, 4 का स्क्वायर, तो यहां पे 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहां पर पाई, यहां पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर है ना इंटू 3/2,
ठीक है, फिर माइनस यहां पे वन का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार से चार चौके 16 यानी 4 पाई माइनस यहां पर 3 पाई है ना डिवाइडेड बाय 2 माइनस वन। क्लियर, यहां पर देखिए सब में माइनस टू माइनस टू माइनस वन जा रहा है, तो हम लोग माइनस वन को साइड रखते हैं, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, यहां पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, चार दो 8 पाई, 8 पाई माइनस 3 पाई यानी 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन है ना, सॉरी इसमें हम लोग इसको ऐसा करेंगे, ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 2 ठीक है, और ये हम लोग का माइनस वन, तो ये हम लोग का सॉल्व होगा यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ये आंसर होगा। क्लियर, तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताते हैं कि कभी भी वैसे टाइप के क्वेश्चंस रहे तो आपको करना क्या है ना, याद रखिएगा कभी भी ऐसे अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आ गए तो आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ये एक आपका वर्ग है ठीक है, और इस पर एक चारों भुजाओं को सटा हुआ एक वृत्त बनाया गया है ठीक है, चारों भुजाओं को सटा हुआ एक वृत्त बनाया गया है, और यहां पर एक वृत्त बनाया गया है जो जिसका है ना इस टाइप से एक वृत्त बनाया गया है जो यहां पर इस तरह से ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है और दो साइड को टच कर रहा है, तो यहां पर इस वृत्त का जो रेडियस होगा ना, इस वृत्त का जो रेडियस होगा वो ये बड़ा वाला जो रेडियस होता है उसके कंपैरिजन में क्या होता है वो समझ लीजिए। तो ये छोटा वाला जो वृत्त होता है ना, जब भी ऐसा कोई वर्ग बनता है, एक वर्ग के अंदर उसके चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए अगर एक वृत्त बनता है और उसके कॉर्नर पर, इसके कॉर्नर पर जो देखिए ये छोटा छोटा वृत्त बन रहा है ना इसके कॉर्नर पर, तो ये कॉर्नर पर जो वृत्त बनेगा ना तो उसका जो रेडियस होगा ना, हर एक का जो रेडियस होगा वो रेडियस बराबर आपका हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 है ना इंटू आर, ये आप याद रखिएगा। जैसे उसमें हम लोग ए इंटू पाई माइनस 2 याद किए थे और इसमें हम लोग याद करेंगे आर इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 आर, बहुत लंबा चौड़ा आपका इक्वेशन सॉल्व करने से बच जाएंगे एग्जाम में अगर आप ये याद रख लेते हैं। क्लियर, तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया कि आपको क्या करना था है ना। अब हम एक और देते हैं जहां पर आपको ये और आपके लिए हेल्पफुल होगा, एक और देते हैं आपको, देखिए आपका एक क्वेश्चन है ना जो आपके स्क्रीन पर भी आ गया होगा, कहता है कि दी गई आकृति में है ना रेखा एबी की लंबाई 2a है ना, मान लीजिए कि ऐसा एक आकृति है ठीक है, ऐसा एक आकृति है क्लियर, और इसमें ए और बी है, ये तो एबी का जो लंबाई है ये 2a दिया हुआ है क्लियर, एबी का लंबाई 2a दिया हुआ है क्लियर। अब यहां पर बोला गया है और इसका मध्य बिंदु M है, इसका मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है M दिया हुआ है क्लियर, और MB और AM है ना AB व्यास वाले, MB AM और AB व्यास वाले ठीक है, MB है ना MB AM और AB व्यास वाले है ना तीन अर्धवृत्त बनाए गए हैं, तो तीन अर्धवृत्त, ये तो एबी व्यास वाला अर्धवृत्त दिख रहा है, इस पर एक अर्धवृत्त बना दिए और इस पर भी एक अर्धवृत्त बनाए गए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन पे कि एबी एएम और एमबी व्यास वाले तीन अर्धवृत्त बनाए गया, तो हम बना दिए हैं। अब यहां पर कहता क्या है कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाला वृत्त इस प्रकार बनाया गया है कि तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है, तो आर ओ केंद्र वाला है ना, ओ केंद्र वाला और रेडी ओ केंद्र वाला और रेडियस आर है ना स्मॉल आर करके दिया हुआ है, स्मॉल आर वाला त्रिज्या दे करके एक ऐसा वृत्त बनाया गया इसमें जो तीनों जो वृत्त है इसको स्पर्श करता हो, तो यहां पर देखिए इस तरह से एक वृत्त बनेगा ठीक है, जो इस वृत्त बनेगा जो इसको भी स्पर्श करेगा, इसको भी स्पर्श करेगा और इसको भी स्पर्श करेगा, जिसका केंद्र होगा ओ और इसका रेडियस होगा है ना रेडियस होगा आर ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपका बोला गया है कि आर का मान क्या होगा, ये जो आर है ना, ये जो आर है ये आर का मान क्या होगा अगर ऐसी फिगर रहेंगे तो। क्लियर, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग लंबा चौड़ा हम लोग नहीं बनाने जाएंगे है ना, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी एक ही सेमी सर्कल पर है ना अगर यहां पर उसके रेडियस मान करके दो सर्कल ऑलरेडी बनाए गए हैं और तीनों सर्कल को टच करते हुए एक यहां पर बीच पर सर्कल बनाया जाए तो आपका उसका रेडियस क्या होगा,
तो देखिए ऐसे टाइप चिपक जाते हैं कभी कभी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अभी हम दो दो फिगर पहले बताएं, ये एक फिगर बता रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो फिगर जो होते हैं ना दिमाग में चिपक जाते हैं, और इसके क्वेश्चन का रेडियस वगैरह क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा रहेगा तो रेडियस जो होगा ये आपका जो बड़ा वाला रेडियस होता है, जो बड़ा वाला रेडियस ये वाला है ना, ये वाला बड़ा रेडियस मान रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला रेडियस जो भी होगा उसका 1/3 होता है, क्लियर। तो अगर मान लीजिए कि AB का लंबाई 2A दिया हुआ है, AB का लंबाई 2A दिया हुआ है, तो AM का क्या हो जाएगा, R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2A by 2 आधा होगा, है ना, क्योंकि AB का लंबाई दिया हुआ था, तो 2A का हाफ होगा, A हो जाएगा, है ना, तो A हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर R का मान क्या हो जाएगा, तो हम क्या बताएं, R हमेशा ऑलरेडी क्या होता है, स्मॉल R जो होगा हमेशा बड़ा वाला R का 1/3 होता है। तो यहां पे R का वैल्यू क्या है, A, तो यहां पर जो R का जो वैल्यू होगा, स्मॉल R का वैल्यू A का 1/3 यानी A बाई 3 होगा, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को दिमाग में सेट करके रखिए, बहुत इजी वे में आप इस सब क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और अच्छे से बताना चाहता हूं, जो आपका क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, देखिए कहता है कि एबीसी है ना, एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी है ना एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ये सब मिसलेनियस क्वेश्चंस में आ रहे हैं, हम आपको शुरुआत में बताए थे जब हम मेंसुरेशन स्टार्ट किए थे, हम बताए थे सारा बेसिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आपका अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, एसएससी के मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे। देखिए यहां पर बोलता है कि ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तथा ए सी इसका कर्ण है ना, ए बी सी है ना, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है ना, ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है और ए सी इसका कर्ण है, क्लियर, ए सी इसका कर्ण है। चलिए अब यहां पर बोला क्या गया है, इसकी भुजा ए सी को लेकर, इसकी भुजा ए सी को लेकर है ना एक वर्ग बनाया गया है, तो इसको हम लोग ए सी को लेकर एक वर्ग बनाएंगे, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा फिगर ऊपर चला जा रहा है, थोड़ा सा छोटा नीचे कर देते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज बना, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है ना, ए सी कर्ण हुआ और ये दोनों भुजा बराबर बराबर है, और इसका ए सी को किसी एक भुजा मान करके है ना एक वर्ग बनाया गया है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वर्ग बनाया गया है, क्लियर। तो ये एक वर्ग है, मतलब हर एक भुजा इसका बराबर है, जिसमें बोला गया है इसको D ले लीजिए और इसको E ले लीजिए, क्लियर। अब बोलता है जिसका क्षेत्रफल जो है 128, ये जो वर्ग है ना, वर्ग जो है ए सी डी ई का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 128 वर्ग सेंटीमीटर है ना, वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। तदनुसार भुजा ए बी तथा बी सी, ए बी तथा बी सी है ना, व्यास लेकर खींचे गए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ए बी को एक व्यास मान लिया और बी सी को व्यास मान लिया है, और इस पर एक अर्ध सर्कल बनाया गया है और इस पर भी एक अर्ध सर्कल बनाया गया है, क्लियर। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हम लोगों को बताना है कि अर्धवृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है ना, ये अर्धवृत्त प्लस ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का योग बताना है, कैसे इसको बनाएंगे वो देखिए, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो आपका, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन पे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो ये हम लोग निकाल लेंगे साइड है ना, तो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर है ना, भुजा का स्क्वायर, तो ये दिया हुआ 128, तो साइड यानी भुजा निकल गया, कितना हो जाएगा अंडर रूट 128, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 128 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 2 से 2 छक 12, 4 2 16 चौके 32 और 2 16 2 से 8 है ना, 2 से 4, क्लियर, और 2 से 2 यानी क्या हो जाएगा इसमें 1 2 3 है ना, यानी 2 2 2, क्लियर। तो यहां पर हो जाएगा 2 2 4 4, 8 √2 आएगा, क्लियर। हम लोग का इसका साइड निकल गया 8 √2 हो गया, क्लियर। अब जब ये 8 √2 आ गया तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर है ना। तो यहां पर ये जो ये हम लोग अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, तो ये √2x होगा, हम लोग जानते हैं ये अगर एक्स होगा, ये एक्स होगा, तो ये √2x होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में,
क्लियर। तो यहां पर देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट टू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स निकल गया तो रूट टू एक्स हो गया ना। तो हम लोग अगर कोई समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है एक्स एक्स तो ये रूट टू एक्स, ये रिलेशन जानते ही हैं। तो यहां पर भी हम लोग देखिए ये वाला वैल्यू दिया हुआ है एट रूट टू, ठीक है। तो रूट टू रूट टू कैंसिल, यानी एक्स इक्वल टू क्या निकल गया एट, यानी एक्स का वैल्यू एट निकल गया, मतलब ये वाला वैल्यू एट निकल गया ये, और ये भी वैल्यू निकल गया एट है ना, क्लियर। और जब ये 8 निकल गया और ये 8 निकल गया तो इसका रेडियस क्या निकल गया 4 हो गया। तो अब हम लोग दोनों का रेडियस क्या निकल गया है 4, तो हम लोगों को बताना क्या है दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो ये देखिए ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त है, दोनों अर्धवृत्त मिलाकर के कितना हो गया एक पूरा वृत्त हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका भी रेडियस वही है 4, इसका भी रेडियस 4, ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त मिलाकर के एक वृत्त बन गया। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई है ना, पाई आर स्क्वायर यानी आपका आर का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16 पाई आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग दोनों अर्धवृत्तों का योग निकाले। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और मेंस लेवल के क्वेश्चंस के साथ आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।